क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले चौक पटांगण सवारी बंगला नगीना बाग में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती कार्यक्रम एवं प्रबोधन सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 जनवरी के बीच किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लिए गए, जिसमें 1 जनवरी को रक्तदान शिविर, बाल रोग निदान शिविर, महिला रोग निदान शिविर तथा विविध सांस्कृतिक व क्रीड़ा स्पर्धा, नाटक, संबोधन ये प्रभात फेरी निकाली गई। इस समय आयोजकों ने अपने विचार व्यक्त किए। सावित्रीबाई फुले महिला मंडल नगीनाबाग शाखा यांच्या वतीने गेली 12-15 वर्षापासून सावित्रीबाई फुले जयंती उत्सवाचा कार्यक्रम 3 दिवसीय मोठ्या उल्हासाने उत्साहामध्ये साजरा करण्यात येतो। 1 जानेवारीला महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा शिक्षक दिन म्हणून आम्ही साजरा केलेला आहे आणि 2 तारखेला सुद्धा या सावित्रीबाई फुले यांचा कार्यक्रम झाला। 3 जानेवारीला प्रभात फेरी आज मोठ्या उल्हासात आणि उत्साहात निघत आहे, भव्य प्रभात फेरी आहे आणि सायंकाळी या प्रबोधन शिबिर आणि समारोपीय कार्यक्रम होणार आहे। शहर में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान नगर सेवक पप्पू देशमुख, जिन्होंने हाल ही में प्रहार संगठन से इस्तीफा दिया और नए संगठन के रूप में जन विकास सेना की घोषणा की, इस संगठन की ओर से शोभा यात्रा में शामिल लोगों को मिठाइयां वितरित की गई। इस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।